वेलकम बैक टू रोशना पैराडाइज। कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है दीपावली का दिन, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दीपावली, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूजा की सारी तैयारी हो गई है, वो मैं क्लिप शेयर कर दूंगी इसके बाद। और अभी मैं जा रही हूँ बस पूजा करने, पूजा करने के बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं सबसे पहले बना रही हूँ रंगोली, और मेन डोर की रंगोली मैंने बना ली है, ये आंगन वाले डोर की रंगोली है। और पूरा डिटेल में शेयर नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा शेयर कर रही हूँ आपके साथ। रंगोली तो सभी लोग बना लेते हैं, और बस ये मेन डोर की रंगोली है, बताइएगा कैसी लगी। आई नो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट मुझे अच्छी लग रही है, सिंपल सी है बट अच्छी है। और यहाँ मैं जो रुई की बाती खरीद लाई थी ना, उनको सही करके रख रही हूँ, क्योंकि दिए भी बना के रखने हैं पूजा के पहले ही। तो इस तरह से इनको अच्छे से मैं कर लूँगी, उसके बाद लगा दूँगी दिए में। और ये हैं धूप बत्ती जो मैंने बना के रख ली है, यहाँ पे रंगोली कलर, तो पूजा की रंगोली बनाऊँगी मैं। और ये हैं भगवान जी, और ये पूजा के वस्त्र वगैरह हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सारे दिए हैं वो धो के सुखा लिए, अब उनमें बाती भी लगा दी है। अब उनमें डाली हूँ सरसों का तेल। तो जो सारे दिए जलते हैं घर में, वो सारे सरसों के तेल के जलते हैं, जो भगवान जी के पास जलते हैं, वो चाहे तो आप पूजा के तेल के जलाएं, बट बेसिकली घी के जलाए जाते हैं, देसी घी के। तो बस एक एक करके मैं सारे इस तरह से अंदाजे से जितने मुझे घर में रखने हैं बना के रख लूँगी। और यहाँ पर पूजा की थाली है भोग की, वो सजा रही हूँ। उसमें है लैया चूरा, और जिसमें रहता है ना खील, ये सब बहुत ज़रूरी होता है दीपावली में, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रख लूँगी मैं इसको। उसके बाद जो मीठा है, खिलौने, बताशे, ये सब गट्टा, ये सब मैं रख लूँगी। और ये सारे कई डिज़ाइन के आते हैं ना, तो बचपन में बहुत फैसिनेटेड होते थे हम उनको देख कर। तो बस प्रसाद की थाली भी हमारी रेडी हो गई, अब यहाँ पर बना रही हूँ पूजा के पास रंगोली। तो रंगोली में आप कोई भी रंग यूज़ कर सकते हैं, बट पर्सनली मुझे येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, और पूजा के पास के लिए तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मतलब मेरी राय में, मुझे बहुत पसंद है और ये अच्छा भी लग रहा है। और डिज़ाइन जो मैंने बनाई है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप देख सकते हैं, इतनी सिंपल डिज़ाइन है कि इसे कोई भी बना सकता है, जिसे बनानी नहीं भी आती रंगोली वही बना सकता है। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही थी, यहाँ पे ना कलर कॉम्बिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन जो है रेड एंड येलो का, वो बहुत अच्छा लग रहा था। और बताइएगा कि आपको मेरी रंगोली जो है सिंपल सी, वो कैसी लगी। बस इसी के साथ हमारी जो यहाँ पूजा के पास की तैयारी वो सब हो गई है, प्रसाद दिए रंगोली सब कुछ रेडी है, और भगवान जी भी साइड में, उन्हें अभी मैं बस मैं स्थापित करूँगी। तो ये सारी तैयारी मैंने खुद तैयार होने से पहले की थी, अब ये सब बना कर ही मैं तैयार होने जाऊँगी। और टाइम भी हो रहा था, और आज मुहूर्त ना काफ़ी मतलब अर्ली मुहूर्त था, और जो मेन सफाई होती है वो हमने आज के दिन ही की थी, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, बिल्कुल एनर्जी नहीं बची थी इस टाइम तक, बट पूजा तो करनी ही थी। तो अब यहाँ पर मैं चेंज करके आ गई हूँ, और मैं ज़्यादा अच्छे से तैयार नहीं हो पाई, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो बस आ गई मैं, और मैंने सोचा चलो पहले भगवान को स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि पूजा का मुहूर्त भी हो चुका था, और नीचे ना पूजा शुरू भी हो गई थी, मतलब और कई जगह से मुझे शंख की आवाज़ भी आ रही थी, मतलब पूजा हो रही है या हो चुकी है। तो बस जल्दी से मैंने अपने भगवान जी को स्थापित किया, लक्ष्मी गणेश जी को, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं सब स्थापित की, वहाँ पर उनके कपड़े वपड़े निकाल के रखे, और चारों कोने में मैंने धूप बत्ती लगानी थी, तो वहाँ पे मैंने जो धूप बत्ती के स्टैंड होते हैं वो लगाए माता के सामने, एक पीले कपड़े में, और उसमें मैंने रखी कौड़ियाँ और चांदी के जो सिक्के हमारे हैं, जो पहले से चले आ रहे हैं हमारे यहाँ, नए नहीं लिए मैंने, हमारे यहाँ यही मैं कई मतलब सालों से यूज़ कर रही हूँ। तो बस उसके बाद मैंने सोचा चलो भगवान जी को वस्त्र पहना देते हैं, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई, पैकिंग में थे ना तो मैं देख नहीं पाई कि वो उनको हुए नहीं, छोटे हो रहे थे जो पीछे बांधने का होता है ना। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इनको दुपट्टा ही उड़ा देती हूँ, उसको कपड़ों को बाद में ठीक कर लूँगी। वस्त्र पहनाने के बाद मैंने भगवान जी को पहनाई माला, लक्ष्मी माता को और गणपति जी को, बहुत प्यारी सी माला मुझे मिल गई थी। माला पहनाने के बाद मैं गणपति जी को, लक्ष्मी माता को सिंदूर का टीका लगा दूँगी दोनों को, क्योंकि दोनों को सिंदूर का ही टीका लगता है। और टीका लगाने के बाद मैंने जो भोग बनाया घर में खुद से कलाकंद, वो मैं रख दूँगी भगवान जी के पास। और घर में बनाया से थोड़ा सा दिख रहा है आपको, अब मैं जलाऊँगी धूप, और चारों कोनों में धूप को रख दूँगी। और मैंने बताया था ना आपको कि आचमन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर जल से मैं जो धूप बत्ती है उसका आचमन कर दूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रे में रख के फूल, जो कि मैं पहले चढ़ाना भूल गई थी, तो मैं फूल चढ़ा दूंगी। और मार्केट से मैं फूल नहीं ला पाई, आज जाने का प्लान था बट आज जाना नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम, तो जो भी अवेलेबल था मैंने वो चढ़ा दिया। अब मैं जला रही हूँ दीपक, और घी का दीपक जल रहा है माता के सामने, शुद्ध देसी घी का, जो मैंने घर में बनाया मलाई से, और इसकी रेसिपी चैनल पर आप देख लीजिएगा। तो बस उसके बाद मैं जलाऊंगी कोन वाला जो धूप होता है वो, और उसके बाद आचमन करके अब मैं करूँगी अपनी पूजा की शुरुआत। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली दिवाली मनाई जाती है। इस दिन भगवती महालक्ष्मी का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पहले से घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा कर दिया जाता है। घरों को अच्छी तरह सजाकर घी के दीपों की रोशनी की जाती है। बच्चे घर घर आशीर्वाद छोड़ते हैं। इस दिन धन के देवता धनपति कुबेर जी, दिव्य विनाशक गणेश जी, राज्य के अपने देव, हम सब लोगों को फोन करने वाले बच्चे माता पति की दाता लक्ष्मी जी भी लक्ष्मी जी का पूजा करें। दिवाली के दिन दीप को भी देखा बहुत महत्व है, इसके लिए दो थाली में दीपक को रखें। पूजा करने के बाद दीप को घर में स्थान स्थान पर रख देवे। लक्ष्मी जी का भाग हो गया तो
खुदाई को घर से निकाल देना चाहिए। उसे निकालने के लिए सुबह जाती है, छुट्टियाँ साथ ही घर से कहती जाती हैं, काने भेड़े दर्द तू जा घर से, अब बात तेरा है कुछ काम नहीं, बात लक्ष्मी नहीं आगे डंडा पड़े और पड़ेगी माँ लक्ष्मी की बस्ती जहाँ, करे ना तेरी दाल फिर तू आ गई जो यहाँ हो तेरी हार, इज्जत तेरी नहीं करे झाड़ू तेरे मार। दिवाली मनाने के संबंध में कथाएं, कहा जाता है कि दिन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक करने तो बड़ी प्रसन्नता पूर्व दिवाली मनाई कि मेरा स्वर्ग सिंहासन बच गया। इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान को अपना पति स्वीकार किया था। जब श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आए तो इसी अमावस्या को राजतिलक किया गया था। इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने संवत की रचना की थी, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर मुहूर्त निकलाया था कि नया संवत चैत्र सुधी प्रतिपदा से चलाया जाए। इस दिन आठवां के संस्थापक महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ था। लक्ष्मी जी की कहानी, एक साहूकार की बेटी थी, रोजाना पीपल सींचने चाय करती थी, पीपल में से लक्ष्मी निकलती और चली चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछा हूँ, तब कल सहेली बन जाऊंगी, घर आकर उस समय पिताजी से सारी बात क्या सुनाई। तब पिताजी ने कहा तो लक्ष्मी जी है और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक ही लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जिमने का नेता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए शॉल दुशारा दिया, सोने की चौकी बैठाकर सोने की थाली में साहूकार की बेटी खा पी कर अपने घर के लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसको पकड़ लिया, कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो उसने कहा अच्छा आ जाना घर आकर, और उठकर बैठी। साहूकार ने पूछा लक्ष्मी जी ने तुम भोजन करने आएंगे और तू दास होकर बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा पिताजी लक्ष्मी जी ने मुझे इतना दिया और वह उसने भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा कि जो अपने से बनेगा वही खातर कर लेंगे, पर गोबर से चौका देकर सफाई कर ले, चौक का दीपक बना ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी चौकी में बैठी तब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी की बहुत खातिरदारी की, इससे लक्ष्मी जी और प्रसन्न हुई। साहूकार की बहुत धन गलत हो गई, लक्ष्मी माता तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठ कर धन दिया सबको देना। बोलो लक्ष्मी महारानी की जय, जगन्नाथ की जय, हमारे यहाँ जब कथा पढ़ते हैं तो हाथ में फूल और अक्षत रखते हैं, तो वही भगवान जी को चढ़ा रही हूँ। कथा पूरी होने के बाद चढ़ाते हैं भगवान जी को, और उसके बाद यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ दक्षिणा, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी कथा पूजा पूरी नहीं होती है। जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, जितना भी आपको चढ़ाना हो चढ़ा लीजिए। अब मैं कर रही हूँ आरती की तैयारी। गणपति कल्याण मार्ग का है तू बुद्धि विनाश है दी ज्योति नमो तुते। प्रथम पूर्व गणपति महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय श्री देवा माता जानकी पारे पिता महादेवा विष्णु दंत दयावंत चांद सुजानहारी मस्तक सिंदूर सोहे मुख की सवारी काम चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा प्रदान का भोग लगे संत करें सेवा सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रथम पूज गणपति महाराज की जय। लक्ष्मी महारानी की जय। हे लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन से हरि विष्णु दाता संपत्ति दाता जो सिद्धि तुमको सिद्धि धन पाता सेवक मैया की शुभ दृष्टि चढ़ता। ओम जय लक्ष्मी माता लक्ष्मी महारानी की जय। गणपति महाराज की जय। ओम कर्पूर गौरम करना कारण संसार कारण भुज गिरधारी राम लोकपति महादेव की जय। हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। लक्ष्मीपति नारायण की जय। जटाधनी जगदम्बा की जय। तो यहाँ हमारी आरती संपूर्ण हो गई है। अब मैं आरती माता को दिखा दूंगी, इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों लोग ये आरती ले लेंगे, इसके बाद मैं लगाऊंगी भोग। आओ भोग लगाओ सब देवों की जीवन सफल बनाओ सब देवों का भोग लगाओ सब देव खीर बताता चूरा लैया रुचि रुचि भोग लगाओ सब देव जिन भक्तों ने मैया भोग लगाया जीवन सफल बनाओ सब देव आओ
तो देखा आपने हमारा जो दीपावली पूजा नहीं है वो यहाँ पर संपूर्ण हुआ। पूजा कथा आरती भोग लगाना आरती लेना ये सब हो चुका है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो मैंने सोचा दीपावली वीडियो को मैं दो पार्ट में कर दूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, 10 मिनट का हो गया है। अगर मैं पूरा एक साथ करती तो करीबन ये 20-25 मिनट चला जाता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो दीपक जलाने का है वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी और जो हमारे घर की और बाहर की सजावट है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी। तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो, दीपावली पूजन हमारा जो सिंपल सा था उसको आपने पसंद किया हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रचना पैराडाइज। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाला है लाइट से भरपूर वीडियो, दीपावली लाइटनिंग स्पेशल वीडियो। तो अपना अपनों का ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे इसकी वाकई में बहुत ज़रा ज़रूरत है। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुभ दीपावली आप सबको मेरी तरफ से।